आप न्यायालय को हाथ में नहीं देता है, जो फैसला न्यायालय करेगा उस पे रहेगा। संविधान से हटके कोई काम नहीं होता है। आपसे उम्र कम है मेरा, बोलिए ना, कुछ ज्यादा ही हम भी जानते हैं। ठीक है, बोलिए। हम एक बात में बता रहे हैं, रुको रुको दीपक एक मिनट, आपको हम बता रहे हैं जो उसके ऊपर जो एनएसए लगा ना, और किसी पे अगर लगा होता ना, आज हम यहाँ खड़ा होकर आपसे नहीं क्वेश्चन किए होते। ठीक है, बोलिए। ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत हुआ है जो कि उसके पे, लेकिन अगर उसके पे आप बोलते एनएसए लगा, देश विद्रोही वो उसको घोषित किया गया, ठीक है, लेकिन आज वो छूट गया है, ऐसा तो नहीं है कि साल भर दो साल तक अंदर रहा, लेकिन वो निकला है। और जो आप बोले बात, अभी हमको सारा बात अच्छा लगा। ठीक है, ये जो बोल रहे थे कि सिस्टम 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 के नीचे रहेंगे, दहाड़ेंगे नहीं, ऐसे वैसे नहीं, दहाड़ेंगे बोलिएगा, आपको भी मौका देंगे भाई मेरे, बिहार का लड़का स्वागत ही। रुक जाइए, आप इनका इनके पक्ष सुनिए, आप जो भी बात बोले उससे हम सहमत है, आपका बात टोटल सही है। ठीक है, लेकिन ये जैसे बात कर रहे थे वो बोलने और बात करने का कोई तरीका नहीं था, आपके सामने हम भी जवाब दिए। चुप रहिएगा, 2 मिनट टाइम मिलेगा भैया, 2 मिनट आप बोलते रहिए, रुक जाओ, आप जो भी बोले ना आप सही बोले, लेकिन इनका बोलने का तरीका थोड़ा कुछ हाई। क्या लगता है आपको, क्या लगता है भैया, उन्होंने पता करता है धर्म उनको बढ़िया से निभाना चाहिए था कि नहीं? निभाना चाहिए था और निभाओ। गाली का प्रयोग, जो गाली सुनने लायक था उसको गाली वो देते थे, और जो आम नागरिक सुने ना, माइक जब लिए हुए हैं आप, अब माइक लेके वीडियो बना रहे, चौथा स्तंभ आपको मिला हुआ है, एक वो आपका गरिमा मिल गया, उसका सम्मान आपको करना है, सुनिए ना, एक जिम्मेवारी मिल गया है, तो उस वक्त आप भले कटा मत जाइए, देश के बॉर्डर पे हैं आप, तो एक सैनिक हैं, अगर आप बिहार में हैं तो एक आम नागरिक हैं, अपने देश में अंदर हैं, तो उसमें आपको अधिकार मिल गया आम नागरिक का, और वो आम नागरिक होकर बिना रिपोर्टिंग करते हुए भी ये सब करते रहो तो उसको कोई दिक्कत नहीं डालेगी, रिपोर्टिंग का मैंने की पत्रकारिता का गरिमा को ठेस हो पाए, बस यही शिकायत। क्या किए, क्या किए जो आपको ठेस लगा? गाली दे रहे हैं ऑन कैमरा, किसको किसको गाली? अमिताभ बच्चन को दिए, शाहरुख खान के दिए, क्या दिए हैं गाली? महात्मा गांधी को, पूजनीय पूजनीय महात्मा गांधी को दिए। हम पूछे, क्या बात कर रहे हैं? एक सेकंड हम पूछे भैया, महात्मा, एक मिनट, महात्मा गांधी पूजनीय नहीं है? महात्मा गांधी पूजनीय नहीं है? हम बोल रहे हैं आप डायरेक्ट, आप डायरेक्ट लाइन को चेंज कीजिए, उनको उनके ऊपर लेके नहीं कीजिए। ठीक है, क्यों नहीं किया? उनका बुराई गिना ना हमारा काम है। सुनिए ना सर, सुनिए, आपको बता रहे, डायरेक्ट आप चेंज कीजिए ना, कि हमारे गुट का प्रचार प्रचार पे उनको भी थोड़ा रेला जाए, क्यों नहीं रेला जाएगा? अच्छा आप बताइए, अरे आप रेलिए ना महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी के, महात्मा गांधी हमारे पिता है, हमारे देश के लिए लड़े हैं, स्वतंत्रता सेनानी है, वो हमारे देश के लिए महान माने जाते हैं। ठीक है, तो उनको गाली क्यों दिए? कौन ये बताइए, आप किसको, एक मिनट आपसे सवाल करते हैं, आप किसको मानते हैं? महात्मा गांधी को नहीं मानते? क्यों नहीं, जरूर मानते हैं। उनको कोई गाली देगा? हम लोग यहाँ पे आप गाली कैसे दे? हम तो गाली नहीं दिया ना, दिए हैं वो कहाँ दिए गाली? देख लीजिएगा आप, देख लीजिएगा। ठीक है भाई, अनदेखे में तो लोग भगवान को भी गाली देते हैं। सुनो ना, पहले जिम्मेवारी मिला है भाई, कैसे अनदेखा? हम भी अनदेखे में गाली दे देंगे, तब तो यहाँ पर मारने लगिएगा आप। अनदेखे में गाली दीजिएगा, अगर वो ऑन पब्लिक सबके सामने अगर बोला होगा, वहाँ का लोग चुतिया होगा, नहीं समझाया होगा, 100 में से 1 गलती अगर आपका हो जाए ना, तो आपको, आप कहे ना आप मर्डर किए हुए, लेकिन अगर आप 100 गलती अगर 100 सही किए, अगर 1 गलत करेंगे ना, तो आपको वही टारगेट कर लिया जाएगा। पहला नंबर तो उनका भाषा से, सुनिए ना, वहाँ पहला नंबर तो भाषा से गरिमा को तोड़ते थे, भाषा आप सम्मान नहीं करते थे किसी का, वो जानता नहीं। और क्या मतलब, गांधी जी को सिर्फ गाली ही दिया, उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोला है ना, उसके उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोला है। आप 2 साल पहले कहाँ थे? आप 2 साल पहले कहाँ थे? जापानीज कश्यप आया था रोड पर, आप 2 साल पहले कहाँ थे? पढ़ाई कर रहे थे भाई, कर रहे थे ना। अच्छा आप रुको ना, मेरा सवाल कर रहे हैं, आप सुन लीजिएगा, 100 जवाब बोलिए ना भैया। 2 साल पहले आप नहीं ना थे? आज उसके देखे हुए 100 को मीडिया आ गया है कि नहीं आ गया? मत कही, नहीं पहले, नहीं पहले बात सुन, पहले मीडिया नहीं था, पहले पहला चौथा सुन लीजिए, पहले सुन, गलत बोलिएगा तो हम नहीं बोलेंगे, पहले सुन लीजिए, पहले हम देखे मीडिया को, सुनिए, बिहार का सच्चाई दिखाने लगा रोड पर निकल के ना, तो उसको यहाँ के नेताओं लोग ने दबाया, सही है, और कुछ नहीं चाहिए, अच्छा चाहिए। भाई आएगा बात, देखो बात, मनीष का सब क्या था, पत्रकार था, था ना, बहुत अच्छा करता था, ठीक है, जेल गया है क्या, इससे भी बढ़िया पत्रकार मेरे बिहार में बना हुआ, अब बैठल है, कौन है? रवीश कुमार, उसको हम काहे नहीं मुख्यमंत्री बनावे या मना किया है, उससे तो बढ़िया लग रहा है, किया है कोई, उससे भी बढ़िया जान जाता है। अच्छा ये बताइए ना, काहे नहीं छोड़िए, सब छोड़िए, आपको एक शब्द में पता चल जाएगा, अभी छूटा है ना, छूटा है ना, क्या बोला था 180 दिन में सरकार गिरेगा, फिर चल जाएगा जी,
मौका तो ऐसा मिलेगा कि झटका फिर जल जाएगा, फिर जल जाएगा मनीष कश्यप, वोट देने का अधिकार हो गया, झटका है क्यों नहीं दीजिएगा ना, मौका दीजिएगा ना, युवा है बिहार का युवा दीजिएगा ना। अरे भाई ये हम लोग उठा का भी लोग युवा है, 24 से पता चलेगा कौन क्या है क्या नहीं है, फर्स्ट चर्चा ना है अभी तक, एक साल भी नहीं आएगा आपके विधायक कुछ गिरेगा, पता चलेगा 24 में वो, और जो जवाब दिया है वो करके दिखाएगा वो। सुनिए ना, बनने के लिए इतना बार बता देते हैं, उस टाइम में निकलिए ना शेर की तरह दहाड़े पे जहां से विधायक आ रहा है। अच्छा हार गया था, अरे भैया लेकिन कैसे आ रहा था ये पता करो भाई, वो चंदा बिटोर के ला रहा था समझे ना, अब जाके वहाँ के लोगों से पता कीजिए, आप लेक लालटेन का मोहर लेके हार जा रही है, वो अकेले लड़ रहा है पूरा बिहार में मामूली बात है। अरे फिर जाएगा जेल, फिर मनीष कश्यप जाएगा जेल।